मित्रों, उच्चाटन विद्या के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इसका थोड़ा सा विस्तार यहाँ दिया जाएगा। उच्चाटन विद्या स्वयं में पूर्ण शक्तिशाली विद्या है। इस विद्या का प्रयोग अपने अंदर की नकारात्मकता का उच्चाटन करने से लेकर किसी तंत्र बाधा के निवारण तक के लिए किया जाता है। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और प्रतिपल नुकसान पहुँचाने की कोशिश में हो तो उसके विचार का उच्चाटन उच्चाटन तंत्र के द्वारा संभव है। यहां मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उच्चाटन शत्रु का उच्चाटन नहीं है, परंतु उस शत्रु रूपी विचार का उच्चाटन है। तंत्र में बहुत शक्ति है, परंतु इसका अगर दुरुपयोग किया जाए तो यह दोधारी तलवार है। यदि हम शत्रु का उच्चाटन ना करके उसके सिर्फ विचार का उच्चाटन करें तो यह सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं। उच्चाटन तंत्र में उग्र इष्ट जैसे कि भैरव, महाकाली, कुष्मांडा माँ, महाकाल जी के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें गुग्गुल से लेकर पीली सरसों तक और मधु से लेकर मदिरा आदि तक का प्रयोग है। प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक पद्धति अलग अलग है और प्रत्येक सामग्री का क्रिया के अनुसार प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार की वायवीय बाधाओं को नष्ट करने तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए भी उच्चाटन तंत्र का प्रयोग होता है। उच्चाटन तंत्र में इतनी शक्ति है कि यदि इसे सकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाए तो बड़े से बड़े कष्ट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। किसी के भी आंतरिक रूपांतरण से लेकर विचारों के परिवर्तन में इस विद्या का प्रयोग किया जा सकता है। सभी मंत्रों की विधियां, सामग्री और परिणाम अलग अलग होते हैं। साधक को यह साधनाएं बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। सकारात्मक विचार से जातक इस विद्या का प्रयोग किसी साधक या योग्य व्यक्ति से भी करवा सकता है।